तक एक भी फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आ जा। तो देखो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल्कि के सेकंड ट्रेलर के बारे में, जिसको ये लोग जो है कल्कि का रिलीज ट्रेलर बोल के प्रमोट कर रहे हैं। अभी ट्रेलर किस तरीके से बन के निकला है, क्या इसकी जरूरत थी, क्या ये कुछ मजा स्पॉइल करता है या नहीं करता है, या हाइप को बढ़ाता है, आप लोगों को सब कुछ जानने को मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखो बात करते हैं ट्रेलर के ऊपर। जाने से पहले एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि कल्कि का जो दूसरा ट्रेलर है वो कल शाम को 6 बजे आना था, डिले होता है 8 बजे के आसपास इसका टाइम निकल के आता है कि अभी 8 बजे आएगा, फिर ये नहीं आता है, फिर ये आता है 8:30 बजे, लेकिन सिर्फ तेलुगु ट्रेलर आता है। फिर हिंदी का जो ट्रेलर है, जो हिंदी का ट्रेलर है, वो रात को 9:30 बजे निकल के आता है। मतलब जितना डिले ये हिंदी को लेकर कर रहे हैं, क्या ये लोग टाइम से मूवी रिलीज कर पाएंगे हिंदी के अंदर, क्योंकि आने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। और यहीं से देखो बात करें हिंदी लगन के बारे में, तो जिस तरीके से इस मूवी की हिंदी लगन लग रही है, मुझे इसको लेकर काफी सारे फीलिंग्स हैं, स्पेशली डाउट्स हैं कि क्या ये हिंदी में इतना क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, इतनी क्वालिटी इसके तेलुगु ट्रेलर के अंदर, क्योंकि हिंदी डबिंग के अंदर काफी प्रॉब्लम है। तो एज अ फैन उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी के टाइम तक ठीक हो जाएगा। बात करें इस के ट्रेलर के बारे में, तो ये ट्रेलर जो है वो हमारे सामने कल्कि वर्ल्ड की तरफ से आने वाले 3 सबसे पॉपुलर सिटीज में से एक सिटी जिसका नाम है शंबाला, उसके बारे में बताता है, जहाँ पे लोग जो है अभी भी जो है काफी रिलीजियस हैं, जिस तरीके से वहाँ की जो हालत है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज काशी से बढ़िया है लेकिन कॉम्प्लेक्स से खराब है। और साथ में एक बार फिर से जो है आपको इस ट्रेलर के सबसे बड़े जो हाईलाइट लगते हैं वो होने वाले हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि ये मूवी जो है वो प्रभास के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि जिस तरीके से मल्टीपल कैरेक्टर्स होने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टर आर्क होने वाली है, सबके इम्पोर्टेंस होने वाली है, क्योंकि ये ट्रेलर जो है वो काफी सारी बातों को आपके सामने रखने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन डिटेल्स हैं जिसको छुपा ले, तो मतलब काफी सारा कंटेंट के पास है दिखाने के लिए। हम लोग जो है फिर से एक बार इस ट्रेलर के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे बैटल चल रही है, एक तरफ अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर होने वाला है, और एक तरफ होने वाला है हमारे प्रभास यानी कि भैरव का कैरेक्टर, जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है एज अ बाउंटी हंटर, उसको बचाने का काम जो है वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर करने वाला है, जिसमें वो अपने खुद के जो है पास के काफी सारे फ्लैशबैक्स आने वाले हैं, जिसका आइडिया आपको इसके ट्रेलर को देख के लग जाता है। साथ में आपको यहाँ पे एक और कमाल का, जबरदस्त मैं बोलूंगा हॉरिफाइंग लुक जो है वो कमल हसन साहब का देखने को मिलता है, जो कि वेट कर रहा है एक ऐसी बॉडी का, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनका मोटिव यही होने वाला है कि किस तरीके से उनको एक ऐसी बॉडी मिले, एक ऐसा नया जीवन मिले जिसके पास काफी सारी पावर्स हो, और तभी वो जो है दीपिका पादुकोण के पीछे पड़े हुए। तो आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग जो है इसका जो पूरा कनेक्शन है उसको समझ पा रहे होंगे। तो जैसा मैंने पहले बोला कि ये ट्रेलर जो है बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी काफी सारी डिटेल्स इस तरीके की है जिसको छुपा लिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ VFX, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है, और जिस तरीके से सभी कैरेक्टर्स अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हैं, किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर ये फोकस नहीं है, जो मुझे बहुत जबरदस्त बात लगी है। सिर्फ मेरे को डबिंग के अंदर इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पे नाग अश्विन के विजन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, मेरे को पर्सनली वो पसंद आया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कमाल का बन के निकले, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी होने वाली जिसकी इंडियन सिनेमा को लिटरली चेंज कर देगी, जिसका क्रेडिट पूरी तरीके से जाता है नाग अश्विन को। तो ये जो ट्रेलर है वो पूरी तरीके से ऑडियंस को हाइप करने के लिए था, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से उसके अंदर जो है कामयाब रहा है। देखते हैं किस तरीके से मूवी बन के निकलती है। बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो अब तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।